सीरीज ऑफ विक्टर कैलकुलस के 13th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में स्टॉक्स थ्योरम का वेरिफिकेशन बताऊंगा। इसके पहले मैं विक्टर कैलकुलस पर 12 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं, या तो फिर आप ऊपर जो आई बटन आ रहा है उसको भी प्रेस करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, विक्टर कैलकुलस के प्लेलिस्ट में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं इस चैनल पर हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले वाले वीडियो में मैं स्टॉक्स थ्योरम का प्रूफ बता चुका हूं और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर चुका हूं। आज मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से, एक फंक्शन के हेल्प से स्टॉक्स थ्योरम का वेरीफाई करूंगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए कि वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, दिस पॉइंट विक्टर पॉइंट फंक्शन है ये, और इसके हेल्प, इसके लिए स्टॉक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। वेयर ए सी इज द अपर पार्ट ऑफ द स्फीयर दिस एंड सी इज इट्स बाउंड्री। क्या है जरा क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले स्टॉक्स थ्योरम होता क्या है उसको आप देख लीजिए कि स्टॉक्स थ्योरम यही होता है कि कोई भी एक विक्टर पॉइंट फंक्शन एफ है जो सरफेस एस, जैसे ये एक सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग मान लेते हैं एस, ये हेमी स्फीयर है, तो हेमी स्फीयर का जो ऊपर का जो सरफेस आएगा उस सरफेस को हम लोग एस मान लेते हैं, और ये जो इसका बाउंड्री है सरफेस से जो बाउंड्री बन रहा है उस बाउंड्री को हम लोग सी मान लेते हैं, ये कर्व से बाउंडेड है, क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड है। तो कोई भी इस सरफेस एस में कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कंटिन्यूस और डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का ये जो सी बाउंड्री आ रहा है, जो सी क्लोज्ड कर्व आ रहा है, उसके अलॉन्ग अगर लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो ये लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। यही स्टॉक्स थ्योरम का कहना है कि किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का लाइन इंटीग्रल उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पर लेना क्या है, एक फंक्शन एफ लेना है। तो एफ जो है वो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ जो है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है ये दिया हुआ है, और एस चाहिए हम लोग को सरफेस जिसमें ये वेरीफाई करना है। तो सरफेस भी दिया हुआ है कि सरफेस क्या है, अपर पार्ट ऑफ द स्फीयर दिस, ये स्फीयर जो है उसका अपर पार्ट, पूरा जो स्फीयर होता है उस स्फीयर का अपर पार्ट है सिर्फ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्फीयर है इसका सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर, और रेडियस क्या होगा ए, इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हो गया। तो ओरिजिन सेंटर हो गया, ए रेडियस हो गया, और अपर पार्ट है, अपर पार्ट मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हम लोग नहीं ले रहे, यानी एक्स वाई प्लेन के ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा है उस हेमी स्फीयर जो बनेगा उसी को सरफेस एस माना गया है, एंड सी इज इट्स बाउंड्री, और इस सरफेस का जो बाउंड्री है वो सरफेस का बाउंड्री सी है। तो अब हम लोग को इसी फंक्शन और इसी सरफेस में हम लोग को स्टॉक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो फंक्शन दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है, सी बाउंड्री दिया हुआ है। अब एन क्या होता है, एन जो होता है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए और उस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो होता है वो एन होता है। तो देखिए अब इसको हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, वी वांट टू वेरीफाई स्टॉक्स थ्योरम, स्टॉक्स थ्योरम को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे, फिर सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे और दोनों देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब स्टॉक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो सी इज बाउंड्री ऑफ गिवन स्फीयर, सी क्या है, यहाँ पर बाउंड्री है, जो स्फीयर दिया हुआ है हेमी स्फीयर उसका बाउंड्री है, विच इज ये सर्कल। आप देख रहे हैं कि ये जो है वो निश्चित रूप से बाउंड्री जो है वो एक सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, हुज इक्वेशन इज, इसका जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है एक्स वाई प्लेन पर बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एक्स वाई प्लेन है उस पर ये सर्कल बन रहा है, तो एक्स वाई प्लेन मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इस पर जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर ओरिजिन पर है, और रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है। तो इस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और साथ में ये एक्स वाई प्लेन पर है, तो एक्स वाई प्लेन का जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन पर कोई भी आप पॉइंट ले लेते हैं तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, या एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन जेड इक्वल टू जीरो होता है। तो सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और जेड इक्वल टू जीरो,
एंड इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशन। और इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा ये जानते होंगे कि x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा और z इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है जहाँ पर थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, जीरो से टू पाई तक वैरी करता है। तो अब हम लोग सबसे पहले लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, फिर हम लोग सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं कि ये जो सरफेस लाइन इंटीग्रल निकालना है उसको निकालते हैं हम लोग। तो लाइन इंटीग्रल निकालना है, यहाँ पर फंक्शन एफ डॉट डी आर लिखना है और ये अलॉन्ग द सिर्फ सी जो कर्व है, ये सर्कल जो है इसके अलॉन्ग हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में हुआ वो मैं लिखता हूँ। तो 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू। और डी आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर जो होता है वो किसी भी पॉइंट सरफेस पर कोई भी पॉइंट, सॉरी ये जो है हम लोग अलॉन्ग द सी निकाल रहे हैं, तो कर्व पर कोई भी पॉइंट आप अगर पी ले लेते हैं तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसी पोजीशन वेक्टर को हम लोग कहते हैं आर। तो पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसका जब डिफरेंशियल निकालना है तो डी आर क्या होगा, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स आई कैप, वाई का डिफरेंशियल डी वाई और जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ आई जे के जो होता है वो कांस्टेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ पर एफ तो फंक्शन हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया और डॉट है फिर, तो डॉट डी आर, डी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि डी आर का वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये हो गया फंक्शन का डी आर का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता होगा कि एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर ये है, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, आई का जो कोएफिशिएंट है उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2x माइनस वाई, यहाँ आई का कोएफिशिएंट और यहाँ आई का कोएफिशिएंट है dx, फिर यहाँ j का कोएफिशिएंट है माइनस वाई जेड स्क्वायर और यहाँ dj का कोएफिशिएंट है dy और यहाँ k का कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पर k का कोएफिशिएंट है dz। तो ये हो गया दोनों वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केल डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका अलॉन्ग द सी निकालना है इंटीग्रेशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है वो सी के अलॉन्ग इंटीग्रेशन निकालना, और सी जो है ये सर्कल है और इस सर्कल का इक्वेशन है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है, जेड इक्वल टू जीरो है। तो जेड इक्वल टू जीरो है तो आप जेड के जगह जीरो पर पुट कर दीजिएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये बच रहा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई डी एक्स बच रहा है। क्यों, क्योंकि जो c है उस c में जेड इक्वल टू जीरो है, जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज अगर जेड जीरो है तो डी जेड इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। अब सिर्फ x और y जो बचा हुआ है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे x y का। और c कर्व में थिट्टा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, थिट्टा एक्चुअली है क्या, थिट्टा जो होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट को ले लीजिए और इसको ओरिजिन से मिला दीजिए तो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वही थिट्टा होता है। तो पूरे सर्कल के लिए थिट्टा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ के लिए थिट्टा जीरो हो जाएगा और जीरो से लेकर के पूरा जब यहाँ तक आएगा वापस तो ये 2π हो जाएगा। तो थिट्टा का वैल्यू जीरो से 2π तक मूव करेगा ये पूरे सर्कल के लिए। अब हम लोग x और y का वैल्यू पुट करते हैं और dx का भी वैल्यू पुट करते हैं और c जो है c कर्व के लिए थिट्टा जीरो से 2π तक। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ थिट्टा का वैल्यू जीरो से 2π कर दे रहा हूँ और क्या है, और यहाँ पर है 2x माइनस वाई डी एक्स। तो 2x x के जगह हो गया a cos थिट्टा और माइनस वाई, वाई के जगह ए साइन थिट्टा और यहाँ पर है डी एक्स, तो डी एक्स के जगह ए कॉस थिट्टा। अब यहाँ पर तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिए, ये ज़्यादा आसान होता है इसको निकालने के लिए पैरामेट्रिक में अगर कन्वर्ट कर दे तो, और अगर पैरामेट्रिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं कार्टेशियन में भी रख करके हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, पैरामेट्रिक में ज़्यादा आसान होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये जीरो टू टू पाई हो गया, टू ए कॉस थीटा, ए आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
और यहाँ से भी ए बाहर निकल जाएगा और कॉस थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लोग बाहर कर देते हैं, 0 to 2 pi, और ये यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, माइनस रहने दीजिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा, और फिर इसको हम लोग इसका भी फॉर्मूला लिख जाते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, 1/2 × 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से 2 pi तक, तो ए स्क्वायर माइनस रहने दीजिए साइन 2 थीटा का खुद माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो प्लस हो जाएगा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और हाफ यहाँ कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल थीटा और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसका लिमिट है 0 to 2 pi, तो अपर लिमिट हम लोग बैठाते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पर 2 पाई आप पुट कीजिएगा तो कॉस 4 पाई हो जाएगा, और कॉस 4 पाई का वैल्यू 1 होता है, तो 1 / 2, यहाँ पर हम लोग 2 पाई पुट कर रहे हैं तो 1/2 × 2 pi, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1/2, प्लस यहाँ पर हम लोग थीटा के जगह 0 बैठाएंगे तो 1/2 0, और ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये 1/2 और ये माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच रहा है ए स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई, तो ये आया पाई ए स्क्वायर, नंबर 1 कर देते हैं, सॉरी नंबर हम लोग 3 कर देते हैं, पहले 2 तक किए हुए हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया पाई ए स्क्वायर, यानी कि ये जो लाइन इंटीग्रल निकालना था इस स्टॉक्स थ्योरम का, जो लेफ्ट हैंड साइड है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का इवोल्यूशन कर लिए, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू आ रहा है पाई ए स्क्वायर। अब हम लोग फिर सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, और सरफेस इंटीग्रल निकाल करके चेक करेंगे कि ये पाई ए स्क्वायर आता है या नहीं, अगर आता है तो इसका मतलब स्टॉक्स थ्योरम सही है, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए अब सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। अब स्टॉक्स थ्योरम का जो राइट हैंड साइड है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल निकालना है इस सरफेस का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं सरफेस इंटीग्रल, इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सरफेस इंटीग्रल पर, क्या होता है सरफेस इंटीग्रल उससे रिलेटेड आपको मैं बताया कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं कैसे सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं। तो किसी अगर किसी भी फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन पर हम लोग उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले रहे हैं इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन पर, तो आप समझिए क्या होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जब इसका हम लोग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेंगे तो एक सर्कल आएगा, जिस सर्कल का सेंटर ओ पर है ओरिजिन पर, रेडियस क्या है ए, तो इस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से जो बाउंडेड रीजन है इस रीजन को हम लोग आर मान लेते हैं, ये जो रीजन है इस रीजन को आर, तो टू इवेलुएट राइट हैंड साइड ऑफ वन, वन का जो राइट हैंड साइड है सरफेस इंटीग्रल, प्रोजेक्ट एस ऑन द एक्स वाई प्लेन, एस का जो सरफेस इंटीग्रल है उसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं, लेट आर बी द इट्स प्रोजेक्शन, आर जो है वो इसका प्रोजेक्शन हो गया, ये पूरा जो सर्कल है वो आर है, रीजन पूरा रीजन आर है, देन आर इज ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए, रेडियस ए का सर्कुलर रीजन होगा एंड हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो अब राइट हैंड साइड निकालना है, यानी कि सरफेस इंटीग्रल को निकालना है, तो इस सरफेस इंटीग्रल को कैसे निकाला जाता है, आप देखिए ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम लोग जब कर दिए तो अब ये जो एस सरफेस में इंटीग्रेट करना था वो एक्स वाई प्लेन पर जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आया उसका रीजन आर है, तो उस रीजन आर में इंटीग्रेट करेंगे कर्ल एफ को, और डॉट एन तो रहेगा लेकिन डी एस के जगह क्या लिखते हैं, यहाँ डी एस के जगह डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन डॉट के लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है और वॉल्यूम जब सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। मैं सरफेस इंटीग्रल में बता चुका हूँ कैसे आता है, इसका प्रूफ भी मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं उसको, तो डी एस के जगह ये लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन जो यूनिट वेक्टर है, एन क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो हम लोग सबसे पहले एन यूनिट वेक्टर को निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कर्ल एफ निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको इवेलुएट करेंगे, और इस रीजन में एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा उसके अनुसार यहाँ पर लिमिट देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। तो चलिए देखते हैं पहले एन के बारे में, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन फाई मान लेते हैं, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, किसको मानते हैं, जो सरफेस का इक्वेशन है उससे। तो सरफेस का इक्वेशन क्या था,
ये एक स्फीयर था, तो स्फीयर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। आप इस ए स्क्वायर को इधर ले आइए, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसी फंक्शन को, इसी को हम लोग फाई मान रहे हैं। अब इस फाई फंक्शन का, ये सरफेस एस के इक्वेशन से लिखा गया है, अब इसी फंक्शन का हम लोग ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए डेल फाई निकालेंगे। तो डेल फाई क्या होता है, डेल फाई के लिए हो गया, डेल का मतलब होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, ये ऑपरेटर होता है। और हम लोग यहाँ पर फाई लिखेंगे, तो फाई का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे फंक्शन में, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 2x और बाकी तो जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। फिर यहाँ पर हम लोग को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो ये आएगा 2y। और फिर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x और y दोनों कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में x और y, z स्क्वायर का हो जाएगा 2z। तो ये आ गया 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप। अब हम लोग को ये ग्रेडियंट जो होता है, वो ग्रेडियंट क्या बताता है, ग्रेडियंट जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर बताता है सरफेस पर। जिस सरफेस का ये इक्वेशन हम लोग फाई माने हैं, उसका ये नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर n लेते हैं, लेट n इक्वल टू यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, एनी पॉइंट ऑन द सरफेस। तो ये निकलेगा कैसे, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए ये जो डेल्फाई निकाले हैं, डेल्फाई आपका बता रहा है नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर जो है उसी वेक्टर में के डायरेक्शन में हम लोग को निकालना यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो इसके मॉडुलस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो डेल्फाई का वैल्यू है 2xi कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2zk कैप। अभी हम लोग निकाले हुए हैं डेल्फाई का वैल्यू, तो डेल्फाई का जो ये वैल्यू निकला हुआ है उसमें हम लोग इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मॉडुलस आएगा क्या, इसका मॉडुलस हो जाएगा आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4y स्क्वायर और यहाँ पर 4z स्क्वायर। 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है ये देखिए, यहाँ पर इधर तो ऊपर न्यूमरेटर में ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और रूट अंडर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसका वैल्यू कहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सरफेस से, सरफेस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर के बराबर है सरफेस का इक्वेशन से। तो यहाँ पर भी 2 आप कॉमन ले लीजिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और डिवाइडेड बाय 2 और इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये a हो जाएगा, तो a से प्रत्येक में आप डिवाइड कर सकते हैं, x बाय ए आई कैप प्लस वाई बाय ए जे कैप प्लस जेड बाय ए के कैप। ये क्या निकल गया, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर n निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर ज़रूरत है कर्ल f का, तो कर्ल f निकालते हैं हम लोग। तो कर्ल f कैसे निकलता है, कर्ल f निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस f। अब डेल क्या होता है, डेल होता है आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पर एफ क्या है, एफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो एफ जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था वही क्वेश्चन में से लिख रहे हैं। यहाँ पर एफ का वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, तो एफ का वैल्यू है 2x माइनस वाई इंटू आई कैप प्लस माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। तो ये फंक्शन हो गया। अब ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका होता है, इसके लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हैं हम लोग। तो आई जे के कैप सभी का लिख दिए और डेल का हम लोग जो ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखते हैं, कंपोनेंट लिखते हैं डेल बाय डेल एक्स, यहाँ डेल बाय डेल वाई और ये डेल बाय डेल जेड। और फिर सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड वेक्टर का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कंपोनेंट, तो 2x माइनस वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट रो से, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए आगे कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे,
तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस टू वाई जेड और फिर माइनस ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो जेड के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना और खुद माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा टू वाई जेड इंटू आई कैप, और फिर उसके बाद माइनस जे के लिए हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जीरो, और इसको जब हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये भी जीरो, तो यहाँ पर जे कैप, और फिर प्लस के साथ तो इसके साथ इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो, और जब इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वन, और यहाँ पर खुद माइनस है तो प्लस वन इंटू के कैप। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, इसका कर्ल जो है वो सिर्फ के कैप आ रहा है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं जरूरत जो था वो कर्ल एफ डॉट एन, तो कर्ल एफ डॉट एन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कर्ल एफ का वैल्यू सिर्फ निकला है के कैप और डॉट एन, एन का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, एन जो यूनिट वेक्टर था यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, एक्स बाय ए आई कैप प्लस वाई बाय ए जे कैप प्लस जेड बाय ए के कैप। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने से के डॉट आई जीरो हो जाएगा, के डॉट जे जीरो हो जाएगा, और के डॉट के वन होता है तो सिर्फ ये क्या आ रहा है जेड बाई ए। तो कर्ल एफ निकालनी है, अब एन डॉट के निकालते हैं तो एन डॉट के, एन क्या है एन तो मैं अभी निकाला हूँ, एक्स बाई ए आई कैप प्लस वाई बाई ए जे कैप प्लस जेड बाई ए के कैप, और डॉट एन, एन का वैल्यू सॉरी एन डॉट के का वैल्यू यहाँ पर के ही रह जाएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट के जीरो जे डॉट के जीरो के डॉट के वन, तो ये सिर्फ आ रहा है जेड बाई ए। अब हम लोग यहाँ पर जो आया है इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं, शायद नंबर ये फोर होगा, थ्री तक हम लोग कर लिए हैं, तो फ्रॉम फोर हम लोग फोर से राइट हैंड साइड का वैल्यू लिखते हैं, राइट हैंड साइड कितना आया था, राइट हैंड साइड यही था, तो आर रीजन में हम लोग को इंटीग्रेट करना है और कर्ल एफ डॉट एन को, तो कर्ल एफ डॉट एन का वैल्यू निकला हुआ है जेड बाई ए, और कर्ल एफ डॉट एन हो गया, फिर यहाँ पर डी एक्स डी वाई, और यहाँ पर नीचे लिखना है एन डॉट के का मॉडुलस, तो एन डॉट के यही निकला है और इसका मॉडुलस लेंगे तो यही जेड बाई ए आएगा, तो ये जेड बाई ए और जेड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ हम लोग को आर रीजन में इंटीग्रेट करना है, वन बच जाएगा, वन का इंटीग्रल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वन का इंटीग्रल आएगा क्या, वन का इंटीग्रल क्या बताता है आर रीजन में जब इंटीग्रेट करेंगे, ये डबल इंटीग्रल है, आप लोग मल्टीपल इंटीग्रल अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि वन का अगर इंटीग्रल करते हैं डबल इंटीग्रल तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिस रीजन में आर को इंटीग्रेट करना है। तो आर रीजन है क्या, एक सर्कल है, सर्कल से जो बाउंडेड पूरा रीजन है वही रीजन आर है, तो आर रीजन में जब हम लोग वन को इंटीग्रेट करेंगे तो आर रीजन का एरिया बताएगा, तो ये क्या चीज़ का बताएगा, एरिया ऑफ रीजन आर, आर रीजन का एरिया रीजन आर, और आर रीजन का एरिया होगा क्या, एक सर्कल है तो इस सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर रेडियस ए था तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई ए स्क्वायर हो गया, और यही जो है हम लोग का पहले भी निकला था, इसको हम लोग नंबर फाइव कर देते हैं। तो पहले जो थर्ड में निकाले थे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी यही आया था और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू यही आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव से वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि स्टॉक्स थ्योरम जो है वो सही है। हम लोग इसका लाइन इंटीग्रल निकालें और सरफेस इंटीग्रल निकालें, दोनों को देखें तो दोनों जो है वो सेम आ रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग दोनों काम किए हैं, लाइन इंटीग्रल भी निकालें और सरफेस इंटीग्रल भी निकालें, लेकिन कौन आसान हुआ, मेरे समझ से तो ज़रूर लाइन इंटीग्रल आसान था, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस सवाल के लिए, इस फंक्शन के लिए लाइन इंटीग्रल निकालना आसान था या सरफेस इंटीग्रल निकालना आसान था। अगर आपको लग रहा है कि लाइन इंटीग्रल निकालना आसान था तो एक आप इस तरीके का क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए सरफेस इंटीग्रल निकालने देता है किसी भी फंक्शन का और उसको हम लोग स्टॉक्स थ्योरम से लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें और लाइन इंटीग्रल निकाल लें, तो उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी अपलोड, वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको।
तो जब भी अगर सरफेस इंटीग्रल सिर्फ निकालने दे किसी फंक्शन का, इस तरीके का रहे सरफेस इंटीग्रल निकालने का, तो स्टॉक्स थ्योरम से हम लोग लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे और लाइन इंटीग्रल से आसानी से हम लोग को इवेल्युएट हो जाएगा, तो उस तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आता है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।